सो गाइज मैं अभी आई हूँ नेहरू बाजार में। नेहरू बाजार में ही सिचुएटेड है ये सरदार जी कुल्फी वाले। स्वाद का ना कोई जवाब नहीं है, इसी को कहते हैं जयपुर का जायका। सो गाइज आज आपको टेस्ट कराते हैं जयपुर की फेमस सरदार जी की रबड़ी कुल्फी, और इसके साथ साथ यहाँ पे फेमस है इनकी कचौरी। इनकी कचौरी भी है और दूसरी कचौरी भी है, पता करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फेमस है और आज मिलके टेस्ट करते हैं और जयपुर के जायके का आनंद उठाते हैं। लेट्स गो। इनकी कचौरी बहुत फेमस है, तो पहले कचौरी टेस्ट करते हैं और उसके बाद इनकी रबड़ी फलूदा कुल्फी, तो देखते हैं कैसा है। तो भैया टाइमिंग क्या रहता है आपके यहाँ के? सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक। 8 से 11 हो गए 55 ईयर हो गए। और आपकी स्पेशलाइज सबसे अच्छी चीज क्या है? रबड़ी फलूदा, रोज मिल्क, लस्सी। ये रबड़ी आपकी खुद की बनी है? हाँ जी, हम सब खुद बनाते हैं, रोज का सिर्फ भी हम खुद बनाते हैं। ओके। ये बॉटल भी बेचते हैं हम। अच्छा बॉटल से, ये बॉटल कोई लेना चाहे तो? बिल्कुल लेना। कितने की बनती है? ये 120 की। गाइस इनका कहना है कि इनकी कचौरी बहुत फेमस है, एक तो इनके पास दाल की कचौरी मिलती है और एक प्याज की कचौरी, तो हमने ऑर्डर करी अभी दाल की कचौरी। तो लेट्स सी, पहले उसे टेस्ट करते हैं कैसी है और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं इनका फलूदा, क्योंकि आइसक्रीम इज़ माय फेवरेट। सो गाइस आ चुकी है अभी हमारी दाल की कचौरी, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि स्वाद कैसा है। दिखने में कुछ ऐसी है और बिल्कुल गर्मा गर्म है, और उसके साथ उन्होंने दो तरीके की चटनी दी है, ग्रीन चटनी और रेड चटनी। तो अब रुका नहीं जाता, तो जल्दी से टेस्ट करते हैं इसको और आपको बताते हैं कि कैसी है। तो काफ़ी क्रिस्पी लग रही है और अंदर से देखते हैं फिलिंग कैसी है। दिस इज हाउ इट इज, ये इसकी फिलिंग है ना, बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल गर्मा गर्म, ऐसे जैसे कि अभी निकली हुई हो। अभी डालते हैं इस पर थोड़ी सी चटनी, हरी वाली भी और रेड वाली भी, एक तीखी है एक मीठी है, मस्त है, क्रिस्पी है, क्रंची है, टेस्टी है, फ्लेवरफुल है, थोड़े तीखे तीखे से फ्लेवर्स है इसमें। चटनी भी इसकी टेस्टी है, दोनों ही चटनी है वैसे टेस्टी है, और गर्मा गर्म कचौरी। अभी ना जयपुर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, यहाँ पर पड़ रही है बारिश, तो बाहर हो रही है धीमी धीमी बारिश और अंदर खा रहे हैं गर्मा गर्म कचौरी। इस स्वाद का ना कोई जवाब नहीं है, इसी को कहते हैं जयपुर का जायका। तो मैं इन्जॉय करती हूँ अपनी कचौरी। सो गाइस यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, आप बैठ के अपने कचौरी को और अपने फलूदे को इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी ऑर्डर देने जा रहे हैं हम अपने मिल्क रोज़ का, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर मिल्क रोज़ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फेमस भी है। आगे हमारा मिल्क रोज, आप करते हैं इसको टेस्ट और बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। इतने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, इसमें भी इन्होंने आइसक्रीम डाल के दी है, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। एंड दिस इज हाउ इट लुक, इनको देख के ना मुझे ये याद आए, खा के पियो या मीठे खाओ, आइसक्रीम भी डली हुई है और कुछ रबड़ी डाल के इन्होंने इस तरीके से मिल्क रोज बनाया, बहुत टेस्टी है ना। रोज पेटल्स की फ्रेश फ्रेश खुशबू आ रही है और उसका टेस्ट आ रहा है, ताज़े ताज़े गुलाब का वो रस निकला हुआ वैसा फील हो रहा है, रूह अफजा प्लस आइसक्रीम, बट इट टेस्ट रियली वेरी गुड।
सो गाइस बनने जा रहा है हमारा स्पेशल रबड़ी कुल्फी आइसक्रीम फलूदा। ये कौन सी है? केसर पिस्ता। ये गई केसर पिस्ता। ये आ गई कुल्फी। और अब ये रबड़ी आ गई। ये क्या है? रबड़ी। ये रबड़ी फिर से पहले भी डाली थी रबड़ी। ये रबड़ी का सेकंड राउंड चल रहा है और ये ऊपर से क्या शरबत, उसके बाद गार्निश ड्राई फ्रूट से। ये क्या है? चेरी। चेरी बन के तैयार है। ये तैयार है हमारा रबड़ी कुल्फी आइसक्रीम फलूदा। आइसक्रीम जैसी चीज़ को ज़्यादा वेट कराना नहीं चाहिए क्योंकि वो पिघल जाती है, उस पर ना सब्र की थोड़ी कमी होती है और मेरे में भी अभी सब्र की बहुत कमी है तो मैं खा रही हूँ। सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट वाओ। रबड़ी के दो तीन राउंड चले उसके बाद ये रिजल्ट निकल गया है और इसके अंदर है ये केसर पिस्ता आइसक्रीम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। सो हम सब की कॉस्ट है 150 rupees। सो दिस इज अग्यासा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ। टेक केयर। टाटा। बाय बाय।